गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा था। बाकी बहुत सारी बातें लोगों को हो सकता है कि कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो कंसेप्चुअल बात थी वो उतनी ही थी। उसके अलावा प्रॉब्लम्स को आप टैकल करना सीखेंगे तब जब आप प्रॉब्लम्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो चूंकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ को आप स्टार्ट करने से पहले न्यूटन को प्रणाम कर लीजिए। सामने पिक्चर है आपके, उनका देख लें। और सभी लोग अटेंटिव रहें। जस्ट अ मिनट। ओके सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस यस सर। सर। ओके आवाज भी मेरी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके चलिए सबको म्यूट कर यस रहा हूँ, सर। थोड़ी देर बाद फिर से आपसे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली बहुत इम्पिरिकल फार्मूलाज में इम्पिरिकल लॉस थे जो कि बहुत कुछ बेस्ड थे ऑब्जर्वेशंस पर। सो न्यूटन्स लॉ एक तरीके से न्यूटन का ऑब्जर्वेशन था, वही हमें ऑब्जर्वेशंस को समझना है। सभी लोग अपनी लाइफ में न्यूटन्स लॉ एक कम से कम एक बार जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि एमएससी पास आउट स्टूडेंट है या एमएससी में परसुइंग होंगे। न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद आप लोगों को ये ख्याल आया होगा कि न्यूटन्स लॉ आपको कितने साल पहले आ गए थे, मतलब कब आपकी फीलिंग के अंदर न्यूटन्स लॉ थे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे जब हम 9th में थे तब थे, कुछ लोग कहेंगे जब हम 10th में थे तब थे, जब हमें 11th क्लास में पढ़ाया गया तब हमें आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूटन्स लॉ एक तरीके से कह सकते हैं कि फीलिंग है, और वो आपको तभी आ गई थी जब आप 2-3 साल के थे। किसी 3 साल के बच्चे को भी न्यूटन्स लॉ पता होते हैं, लेकिन वो फॉर्मुलेटेड नहीं होता है। उसको ये पता होता है कि न्यूटन्स लॉ होते क्या है, लेकिन वो न्यूटन्स लॉ के नाम से उन लॉज को नहीं जानता है, क्योंकि नेचुरल लॉज इसकी समझ में आते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, किसी बच्चे को समझ में कैसे आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लॉ न्यूटन का आपको पता होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? सबसे पहले तो बात आएगी इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर मास है, और जितना मास होगा उसके अंदर अपनी पोजीशन को, चाहे वो रेस्ट ऑफ मोशन है, रेस्ट है या मोशन है, जो भी इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन है, उसको बदलने की प्रवृत्ति, उसकी बदलने का एक तरीके से टेंडेंसी, वो कितनी ज्यादा है उसके अंदर, वही इनर्शिया। तो इनर्शिया इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ दी बॉडी। किसी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा इनर्शिया है, इसका मतलब वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में अगर है तो रेस्ट में ज्यादा देर तक रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो उसे रोकना मुश्किल होगा। तो इसी पर अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे तो आप वो बच्चा समझ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा खेल रहा है, और खेलते खेलते वो अपने मदर के पास कुछ खाने चला गया है या फीड करने चला गया, और अपना खिलौना कहीं छोड़ गया। थोड़ी देर बाद लौटेगा तो वो कहाँ लौटेगा? किसी भी बच्चे को आप देख लेना, वो यही करेगा। थोड़ी देर बाद जब वो लौटेगा तो वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वहीं जाएगा जहां पे वो अपना खिलौना छोड़ के गया। और अगर वो मिल गया उसे उस जगह पर, तब तो वो खुश होगा, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि मेरा खिलौना किसने लिया, या फिर वो रोएगा। कहने का मतलब उसे उसे कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि उसने जो चीज जहां रखी है वहीं मिलनी चाहिए,
और अगर वहां नहीं मिली है तो जरूर किसी ने उस पर कुछ कुछ एक्सटर्नली कुछ किया होगा, तभी वो वहां से हटी होगी, अदरवाइज वो हटती नहीं। ये फीलिंग उसके अंदर है, अगर आप मेरी फिलॉसफी को समझ रहे हो, क्योंकि बेसिकली ये जो लॉस थे फिलोसफिकल थे, बेस्ड ऑन इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। इन 1687 न्यूटन पब्लिश्ड हिज थ्री लॉज इन हिज प्रिंसिपिया मैथमेटिका, है ना। तो न्यूटन्स लॉ बेसिकली कुछ है नहीं, कुछ है मतलब बहुत कुछ है, लेकिन अगर इनकी फीलिंग्स की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं। तो ऑब्वियस है, ये बहुत ऑब्वियस है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी विच मे बी जीरो अनलेस एक्टेड बाई ऑन बाई ए फोर्स, मतलब जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, और अगर जीरो है तो जीरो रहेगी। कम शब्दों में लिखी हुई बात है, आप लोग अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड लॉ पे आए, तो सेकंड लॉ के बारे में अगर आप देखें, तो किसी भी बच्चे को आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक बच्चे के हाथ में हल्की बॉल देकर आप उसके सामने खड़े हो जाना और उससे बोलना कि थ्रो करो या फेंको या मेरी तरफ को इसको धकेलो, तो हल्की बॉल को वो हल्के फोर्स से धकेलेगा, उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे। लेकिन अगर उसके हाथ में अगर कोई भारी चीज होगी तो उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे, वो जानता है कि ये चीज भारी है, इसको फेंकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप किसी बच्चे के पड़ोस में खड़े हो जाएं और उससे कहें बॉल फेंको, तो वो बॉल अलग तरीके से फेंकेगा। अगर आप दूर खड़े होकर पूछेंगे तो दूर खड़े होकर उसको ताकत और बढ़ा देगा। इट मीन्स उसे पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी करनी है, उस हिसाब से वो फोर्स लगाएगा। अगर दूर खड़े हो गए तो वो दूर के लिए ज्यादा फोर्स लगाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, और अगर पास खड़े हो तो उसे पता है थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज करेंगे और पहुंच जाएगा इनके पास। यानी कि F is equal to ma, means F is proportional to m, F is proportional to a, और you can say safely that the rate of change of linear momentum of a body equals the force acting on the part or on the body। यही होगा, dp by dt is equal to F, और इसी की स्पेशल फॉर्म अगर हम कहें तो F is equal to m। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ की अगर बात करें, थर्ड लॉ, फॉर एवरी फोर्स वन ऑन वन बॉडी देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अनदर बॉडी। ये सबको पता है कि एक्शन के बराबर रिएक्शन होती है, नो डाउट आपको पता होगा, लेकिन किसी बच्चे को भी पता होगा। ये बात आप सोच के देखना कि कोई भी बच्चा ये जानता है कि दीवार पर अगर सर मारेंगे तो उसके सर में चोट लगेगी, अगर वो कहीं पर हाथ मारेगा तो उसके हाथ पर भी चोट लगेगी, और वो कैसे सीख रहा है ये सब चीजें, वो एक्सपेरिमेंट कर करके सीख रहा है। वो पहली बार जब हाथ मारेगा तो उसको नहीं पता होगा उसको चोट लगेगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको फीलिंग आ जाती है कि हाँ भाई अपना हाथ मारने से अपने को भी चोट लगती, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो आइडिया भी है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, लेकिन वो वेल फॉर्मुलेटेड नहीं होता है। उसके बचपने में वो चीजें बहुत ऐसे नहीं होती कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और ये न्यूटन ने दिए। अगर ऐसा होता तो बच्चा बड़े होने से ही मना कर देता। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि ये लॉज कोई बहुत ऐसे लॉज नहीं है जो आप समझ नहीं सकते, इनको अपनी फीलिंग्स में बैठा नहीं सकते, लेकिन इन तीन लॉज में एक बड़ी खूबसूरत बात छुपी है कि कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ से ही फोर्स की डेफिनेशन दी गई। अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्वालिटेटिवली, मींस लॉ ऑफ इनर्शिया गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्वालिटेटिवली। सेकेंड लॉ गिव्स, ये क्या बता रहा है भाई, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, यानी क्वांटिटेटिवली। सेकेंड भी क्या बता रहा है, फोर्स की डेफिनेशन क्वांटिटेटिवली बता रहा है। और थर्ड लॉ क्या बता रहा है, हाउ फोर्स बिहेव, मतलब उसके साथ अगर आप एक्शन करोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, वॉट इज द बिहेवियर ऑफ फोर्स, ये थर्ड लॉ बता रहा है। अगर आप फिलोसफिकली बात करें तो आई थिंक आपको तीनों लॉज के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा, बाकी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक टर्म यहाँ पे मैंने लिखी है, मोमेंटम, द अमाउंट ऑफ मोशन, मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी। वाई नॉट अनदर एक्सप्रेशन, एम स्क्वायर बी और एम बी स्क्वायर या एम बाई बी, वाई ओनली एम बी, हाउ कैन यू से दैट पी इज इक्वल टू एम बी, एंड हाउ यू डिफाइन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन किससे मिलती है, मास एवं मास एंड प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड मास के प्रोडक्ट से मिलती है। इस बात को आप कैसे समझेंगे,
भाई मोमेंटम अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो कितनी तेज मूव कर रहा है, बल्कि वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसका मास कितना है। मींस मैं कम शब्दों में कहूं तो 2 किलोग्राम की बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से चले, 2 किलोग्राम की बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से चले या 3 किलोग्राम की बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चले, दोनों ही स्थितियों में अमाउंट ऑफ मोशन सेम होगा। यानी कि दीवार पर अगर दोनों बॉलों को आप मारोगे, एक 2 किलोग्राम की 3 मीटर पर सेकंड से और एक 3 किलोग्राम की 2 मीटर पर सेकंड से, दे बोथ डैमेज विद सेम अमाउंट। मतलब ये दोनों ही बॉल दीवार को सेम अमाउंट से डैमेज करेंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम पी। तो अमाउंट ऑफ मोशन इज डिपेंडेंट ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मास और वेट में क्या अंतर होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में या 9th क्लास में ही सही, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या मास को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? क्या आप किसी तराजू से, किसी स्केल से, किसी स्प्रिंग बैलेंस से क्या आप मास को कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है चैट में, मुझे दोबारा से शेयर करना होगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा, ठीक है? कई लोगों ने आंसर लिखा है नो सर। तो मैंने आपसे पूछा क्या मास को आप, आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन पर जो है वो डायरेक्ट चैट नहीं दिखाई दे रही। जस्ट ए मिनट। ठीक है भाई, आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। क्या मास को डायरेक्ट आप देख सकते हैं? क्या मास को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना है? नो सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप ग्रेविटी के थ्रू जी से डिवाइड कर मास को डिवाइड कर डब्ल्यू को जी से आप निकाल सकते हैं। मींस कहने का मीनिंग मेरा ये है कि एक मास तो आप वेट से निकालते हैं, वेट निकाला और उसे जी से डिवाइड कर दिया, जिस भी प्लेनेट पर आपने वेट निकाला उसी प्लेनेट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे डिवाइड कर आपने मास निकाल लिया। इस तरीके से निकाले हुए मास को हम लोग अक्सर नाम देते हैं ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। हालांकि हम इनकी डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी बता दें क्योंकि शब्द आएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो मास को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, इनर्शिया से, इनर्शिया फार्मूला लगा के। मतलब आप ग्रेविटेशनल मास निकालेंगे तो वर्क वेट बाय जी, और एक और तरीका है इनर्शियल मास निकालने का, वो किसी भी फोर्स को, फोर्स लगाओ एक्सेलरेशन नोट करो भाई, किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और एक्सेलरेशन नोट करें, दोनों को डिवाइड कर दे तो आपको मास मिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल मास।
तो मास को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, वेट से या किसी फोर्स से? डिपेंडिंग ऑन दोस कंडीशंस मास कैन बी डिफाइंड एज डिफाइंड बाय टू वेज, ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। हालांकि दोनों ही मासेस बराबर होते हैं, दोनों ही मासेस बराबर होते हैं, लेकिन ऑब्वियस है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शंस आते रहते हैं। कोई भी परफेक्ट एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता जिसमें 0% एरर हो, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से भी नहीं। हाँ, तो ये तीनों लॉस को हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे तो आप लोगों की जो भी चीजें क्लियर नहीं हुई है वो क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट लॉ की बात करें, अगर सबसे पहले द फर्स्ट लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या देता है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का गुण क्या है, मतलब फोर्स क्या होता है। इट ऑल्सो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ जीरो फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाई फोर्स व्हेनेवर इट इज जीरो? क्या जीरो फोर्स क्या होता है? जीरो फोर्स क्या होता है? अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स ना लग रहा हो तो वो जिस भी स्टेट में होता है, मोशन में होता है या फिर रेस्ट में होता है, वो उसी स्टेट में रहता है। तो इट ऑल्सो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ जीरो फोर्स। इट ऑल्सो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम, मींस जिस फ्रेम में ये लॉ सत्य है, जिस फ्रेम में ये लॉ जीरो फोर्स, मतलब जिस फ्रेम में जीरो फोर्स का मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ही है, वो समझ लीजिए इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम बाद में बनाया गया, मतलब बनाया क्या गया, डिफाइन किया गया, मतलब इनर्शियल फ्रेम्स आर दोस फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आर वैलिड। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड इन एनी आर्बिट्रेरी फ्रेम, मींस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लॉ किसी भी फ्रेम में सत्य होगा, होल्ड होगा, है ना। जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में इट इज नॉट वैलिड। एन इनर्शियल फ्रेम इज डिफाइंड एज द टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम इन विच द फर्स्ट लॉ होल्ड्स, मतलब एक तरीके का स्पेशल वो फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड रहते हैं वो इनर्शियल फ्रेम। समझ आ गई बात? अभी आप लोग कंक्लूड ना करें प्लीज, समझते रहे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड भी करेंगे। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो स्लाइड नंबर नोट कर लें, हम 2 मिनट बाद फिर से आएंगे बैक में। उसके बाद आते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है? क्वांटिटेटिव मतलब कितना, वो बताता है कैसा होता है, ये बताता है कितना होता है। तो कितना होता है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि F is equal to dP by dt होता है, rate of change of linear momentum। जहां कहीं भी मोमेंटम में बदलाव होगा वहां फोर्स होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फोर्स होगा। मोमेंटम में बदलाव कब कब हो सकता है? या तो मास बदल जाए या वेलोसिटी बदल जाए या दोनों बदल जाए, क्योंकि मास बदला तब भी पी बदलेगा, बी बदला तो भी पी बदलेगा, और एम भी बदला तो भी पी बदलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये दिस इज ऑलवेज ट्रू, अगर आप इनर्शियल फ्रेम में है तो इट इज ऑलवेज ट्रू। दूसरी बात, सिंस पी इज इक्वल टू एम बी, अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, सिंस पी इज इक्वल टू एम बी देन एफ इज इक्वल टू डी एम बी बाई डी टी। यू कैन डिफरेंशिएट 1/1 एम डी बी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। एम को छोड़ा वी का करा और वी को छोड़ा एम का करा। अब डी वी बाई डी टी इज बेसिकली हाउ मच? डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, एंड डी एम बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इन सम टाइम्स देर आर सेवरल सिचुएशंस इन विच मास इज कॉन्स्टेंट, ऑफनली मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। We always consider that mass is constant. If mass is constant, then you can say that dm by dt is equal to zero. dm by dt is equal to zero. And if dm by dt is equal to zero, then and then only you can say that f is equal to m dv by dt. dv by dt is basically a, so f is equal to ma. So here you can say that F is equal to ma is not always true. It is conditionally true when mass is constant. But F is equal to dp by dt is basically always true.
if you are in inertial flow. Means, एक और भी कह सकते हैं बात, F and A are collinear if mass is constant. Otherwise not. अगर mass constant है तो F और A एक ही line के along होंगे, लेकिन अगर mass constant नहीं है तो F और A अलग अलग direction में, मतलब F और A collinear नहीं होंगे, अलग अलग direction में. चलें आगे बढ़े, लिखते रहे आप लोग. Yes, sir. Sir, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना. बेटा ये नोट करने वाली बात है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ रह जा रहा है ना तो लास्ट में मैं सबको एक साथ बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग. ठीक है सर, आप लास्ट में दिखा देना एक बार. लास्ट में दिखा दूंगा, वैसे लिख लो. चलो अब आपने बोल दिया तो अगली बार से ध्यान रखना, बिल्कुल अंत में दिखा दूंगा सारी स्लाइड. आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है? कोई भी एक बच्चा पीडीएफ बना के तुरंत सेंड कर दे, सबसे अच्छा तरीका है. ठीक है, चले भैया आगे बढ़े. जी सर. सो देयर इज अ कंडीशन वेयर एम इज कांस्टेंट. कहां कहां एम कांस्टेंट है? अगर आप चलते हैं सड़क पर, अगर आप सड़क पर किसी भी रोड पर आप चलते हैं तो क्या आपका मास कांस्टेंट होता है? या चलिए आप जब व्हीकल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो क्या आपकी आपका जो मास होता है, अगर आप अपने आप को सिस्टम मान लें कार प्लस ड्राइवर, तो क्या उसका मास कांस्टेंट होता है? यस सर. यस सर. यस सर. नो, नॉट एट ऑल. नो. अरे भाई फ्यूल कंज्यूम हो रहा है ना लगातार, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा गाड़ी के अंदर, और फ्यूल कांस्टेंट है. एम कहां कांस्टेंट है भाई? अगर आपके माथे से, जस्ट अ मिनट लिसन टू मी, अगर आपके माथे से एक बूंद भी पसीने की गिर गई तो आपका मास कांस्टेंट नहीं रहा. इट मींस मास का कांस्टेंट रहना बहुत ही आइडियल सिचुएशन में होता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं? आइडियल सिचुएशंस. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आइडियल सिचुएशंस पढ़ते हैं तो ये मानते हैं मास कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है जिनमें मास कांस्टेंट नहीं होता है, और जिसका हम लोग एप्लीकेशन भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रॉकेट की मोशन. रॉकेट के बारे में आपने सुना होगा, उसका मास धीरे धीरे कम होता चला जाता है और धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ता जाता है, वहां पर थ्रस्ट मिलता है उसी मास के बदलने की वजह से. ठीक है. सो इफ एम इज नॉट कॉन्स्टेंट, there is another condition when m is not constant. If m is not constant, and also we can say that if m is not constant, v is equal to constant. इस लाइन को पहले मैं काट देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं. If m is not constant, then F is equal to dp by dt is only true. F is equal to ma is not true. क्योंकि फर्स्ट टर्म भी आएगी और सेकंड भी आएगी. लेकिन एक और कंडीशन अगर लगा दूं मैं, जो मैंने हटा दिए, m अगर कांस्टेंट नहीं है लेकिन v को आप कांस्टेंट मेंटेन किए हुए हो, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, तो आप एक्सप्रेशन देख सकते हो. F is equal to क्या होगा? 0 plus v dm by dt. dp by dt is 0. dv by dt is 0. So, you can say f is equal to b dm by dt. और आपको ये फार्मूला भी याद आ रहा होगा, ये कई जगह पढ़ाया जाता है, कई जगह बताया जाता है, कि यही बेसिकली थ्रस्ट भी है, थ्रस्ट का फार्मूला. हालांकि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, रॉकेट की मोशन का एक सवाल जब करवाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन f is equal to v dm by dt. अब आप यहाँ देखें जरा, अगर आप इस कंसेप्ट को देखें तो आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ. Velocity constant है तो आप कहेंगे acceleration zero है. Velocity constant है इसका मतलब acceleration zero है. Acceleration zero है तब भी force non-zero. तब भी force non-zero है. जबकि आपने पढ़ा होगा if a is equal to zero then f is equal to zero. तो वो तभी सही है ये बातें, जब आप
एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली सर्कमस्टांसेस में हो, मतलब जब आपका मास बदल नहीं रहा। आई थिंक यू ऑल गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, अगर मास डीएम बाई डी टी पॉजिटिव, इट मीन्स देर इज ए इंक्रीज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए खाली ट्रॉली है, ट्रॉली के बारे में जानते होंगे आप लोग, एक खाली ट्रॉली है मान लीजिए, और ट्रॉली में लगातार पानी भर रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही होगी तो धीरे धीरे ट्रॉली क्या होने लगेगी, भारी होने लगेगी। तो उस वक्त अगर आपको एफ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, मतलब आपको वी कॉन्स्टेंट रखना है, तो ऑब्वियस है ट्रॉली को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इस काम को करते रहने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ट्रॉली भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी तो इंजन को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो एफ पैरेलल टू वी हो जाएगी और आपको आगे की तरफ को फोर्स और लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डीएम बाई डी टी निगेटिव है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मास अगर निगेटिव, इट मीन्स मास डिक्रीजेस विद टाइम। मान लीजिए अगेन एक ट्रॉली है जिसमें नीचे एक होल है और उस होल में से ट्रॉली में रेत भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है, और उसमें से होल में से सैंड निकल रहा है और ट्रॉली चल रही है, तो आपको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी और फोर्स निगेटिव होगा, मतलब आपको फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वरना आगे भागेगी ट्रॉली, है ना, जितनी हल्की होती चली जाएगी उतना ही ज्यादा। तो कहने का मीनिंग मेरा क्या है, कहने का मीनिंग ये है सिंपली कि मास बढ़ रहा है कि घट रहा है उस पर डिपेंडेंट है ये। हम वेरिएबल मास सिस्टम में आपको दो तीन प्रॉब्लम करवा के आपको समझाएंगे, इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया यहीं पर कि वेरिएबल मास सिस्टम जब करवाऊंगा तब बता दूंगा। अभी फिलहाल मास को कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, अभी फिलहाल कांस्टेंट मास लेके चलते हैं, जबकि लास्ट की सिचुएशन जो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि मास अगर वेरी हो तो क्या होगा। किसी को कुछ कहना है यहां तक? एनी डाउट? नो सर, आई थिंक नो। चलिए आगे बढ़ेंगे, देर नहीं लगाएंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस लॉ गिव्स द इंफॉर्मेशन हाउ फोर्स रिएक्ट। ये लॉ क्या करता है, रिएक्शन बताता है कि इसके इसका क्या प्रमाण प्रणाम होगा, अगर तुमने किसी पर फोर्स लगाया तो आपको बदले में क्या मिलेगा। द थर्ड लॉ इसेंशियली पोस्टुलेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। मतलब अगर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कुछ भी आपके आसपास नहीं है, है ना, तो टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, क्योंकि बजाय अगर आइसोलेटेड सिस्टम में दो पार्टिकल मान लो एक ने दूसरे पर, दूसरे ने पहले पर अगर फोर्स बराबर और उल्टा लगाया तो नेट फोर्स कितना हो गया सिस्टम पर, जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हुआ है एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है। एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी पी इज इक्वल टू कॉस्ट। ऐसा हम कहां पढ़ेंगे, कुलीजन में, इसीलिए कुलीजन लिख दिया है भाई। आप देखें एफ इज इक्वल टू कॉस्ट, जीरो होता है कुलीजन में एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो कुलीजन वाला भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए यहां इसको भी छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, ये जरूरी नहीं है हर जगह वैलिड हो। और वो कौन कौन सी जगह होंगी जहां पर फोर्स, इट होल्ड्स फॉर फोर्सेज ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग टाइप। जहां पर फोर्स पुल और पुश वाली बात होगी वहां तो ठीक है, लेकिन कई जगह फोर्सेज अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, इट इज नॉट वैलिड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और आपने पढ़ा भी होगा मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, अगर दो वायर्स हैं, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन दिखा देता हूं, इट फेल्स फॉर मैग्नेटिक फोर्सेज। नीचे वाली लाइन देखे आप लोग, तो ये फेल हो जाता है मैग्नेटिक फोर्सेस में। तो देखें कैसे, जैसे मान लीजिए करंट, दो करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन विच सिमिलर करंट्स विल फ्लोइंग, सिमिलर करंट्स इज फ्लोइंग,
तो सिमिलर करंट एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट, आपको पता ही होगा, और उसका फार्मूला भी आप लोगों से अभी मैं पूछूं तो आप बता ही दोगे, किसी को याद है? मी जीरो अपॉन टू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय टू ए, ऐसा कुछ होता है डिस्टेंस जोन में होता है सर। हाँ, म्यू नॉट अपॉन फोर बाय आई एन आई टू अपॉन टू ए, ऐसा कुछ होता है। टू पाई एस पता है आपको? म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई डी। कहाँ से निकलता था याद है? बायो सेवर्ट लॉ से। ओवरऑल डजंट मैटर, लेकिन अगर ये देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, नहीं लग रहे, लेकिन यही अगर वायर्स क्या हो जाए, टेढ़े हो जाए, मान लीजिए पैरेलल ना रहे, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ना होके क्या हो जाए, थोड़े से इंक्लाइंड हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले वायर पर फोर्स लगेगा वायर के परपेंडिकुलर, दूसरे वायर पे फोर्स लगेगा दूसरे वायर के परपेंडिकुलर, यही तो होता है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। क्या मेरी बात से सहमत है? यस सर, यस सर। इस सिचुएशन में बराबर मात्रा में फोर्स जरूर लग रहे हैं, सेकंड सिचुएशन, यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है। बट यहां नहीं, इक्वल एंड अपोजिट नहीं। तो न्यूटन्स लॉ आप लोगों ने अगर ईएमटी पूरी पढ़ ली, आप लोगों ने ईएमटी कितना पढ़ा है? फैराडे लॉ वगैरह पढ़ी है? अभी शुरू हुआ है सर मैग्नेटोस्टैटिक्स। अच्छा, तो उसमें ग्रिफिथ्स आपने पढ़ रहे होंगे लगातार साथ में। ग्रिफिथ के कई क्वेश्चंस में ये ब्रैकेट में कई जगह लिखा होगा, आपने देखा होगा कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ फेल हो गया क्या, बार बार पूछते हैं, किसी को याद है ये वाली बात कहीं पूछी गई? यस सर। तो वहां पे आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि क्या वजह रहती है, क्योंकि ये फोर्स पुलिंग और पुशिंग टाइप का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये फेल हो जाता है ना। तो ये बात डिफाइन हो गई कि भाई ये हमेशा ट्रू नहीं होता, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ये हर फोर्सेस के लिए ट्रू नहीं माना जाता। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई क्रॉस बोलना है, किसी को कोई इसमें बात ऐसी कहनी है जो कि उसको अटपटी लग रही हो? सब लोगों से गुजारिश है, अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं प्लीज आप रुके रहें क्लास में, बीच में छोड़ छोड़ के ना जाए। चले भाई आगे बढ़े, तो चैट मुझे आज दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई दे रही है लेकिन देर में अपीयर हो रही है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा। अब आना चाहिए ग्रेविटेशनल में फॉलो नहीं होता, नहीं बेटा ऐसा कब बोला मैंने, ग्रेविटेशनल फील्ड में फॉलो होता है, जब आप किसी ब्लॉक को रखते हो जमीन पर या आप जब खड़े होते हो तो आपको क्या मिलता है, आप क्या लगाते हो उस पर, जब आप खड़े होते हो जमीन पर तो आप वेट लगाते हो नीचे एमजी, और जमीन आपके ऊपर क्या लगाती है, नॉर्मल रिएक्शन जो आपको फील होती है, फील होती है, आपको क्या फील होता है, आपको अपना वेट फील होता है, आपको अपना वेट फील होता है या नहीं? नहीं होता सर, अपना वेट कभी फील नहीं होता, हमें वेट के रिएक्शन हमें फील होती है, क्योंकि वेट हमारा किसको फील होगा, अर्थ को। अरे भाई जिस पे बैठोगे उसी को तो पता चलेगा आप कितने भारी हो, आपको तो उसकी रिएक्शन आपको मिलती है, वो आपको महसूस होती है। तो आप जब लिफ्ट के अंदर जाते हो तो आपको पता है क्या चीज बदल जाती है, एक्सीलरेटिंग लिफ्ट है अगर, तो आपको लगता है आपका वजन बदल गया, आपका वजन कम हो गया, आपका वेट कम हो गया है, वेट गेन हो गया, क्या ये सही बात है? अगर वेट गेन होना और वेट लॉस करना इतना आसान होता तो लिफ्ट में ही बैठ के लोग नहीं कर लेते सब कुछ, क्या जरूरत थी फिर जिम करने की और डाइटिंग करने की?
तो वेट नहीं कम होता है, क्या चीज कम होती है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में बेटा ये वैलिड रहता है, जो भी बच्चा पूछ रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है सभी लोग? यस सर। चलिए, अब जब बात फोर्सेस की आ रही है तो फोर्सेस कई तरीके के होते हैं। देयर आर सेवरल इंटरेक्शन इन द वर्ल्ड, सेवरल मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन द वर्ल्ड, जिनमें से अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो देयर आर ओनली फोर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। और आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में ये चीज पढ़ी भी होगी कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन, पढ़ा है आप लोगों में? Yes, sir. उन्हीं को अगर हम और फर्दर क्लासिफाई करें तो जो इलेक्ट्रिकल टाइप के जो फोर्सेज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है, उनकी अगर कैटेगरी देखें तो वो हम डेली लाइफ में लगभग आप लोग जो भी महसूस करते हैं वो या तो ग्रेविटेशनल है या फिर इलेक्ट्रिकल है। और इलेक्ट्रिकल में कौन कौन है? जैसे टेंशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है बेसिकली चारों तरफ किससे घिरी हुई है? इन्हीं तरीके के फोर्सेस से घिरी हुई है। आप चारों तरफ कभी टेंशन आ जाएगी, कभी नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, कभी फ्रिक्शन आ जाएगा, कभी ग्रेविटी आ जाएगी। ग्रेविटी ग्रेविटेशनल में पढ़ा देंगे, ग्रेविटेशन और सेंट्रल फोर्स बना के जो चैप्टर है उसमें और अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। सेंट्रल फोर्स वाला पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, ग्रेविटेशन उसी में और थोड़ा अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल ग्रेविटेशन भी खत्म हो जाएगा और सेंट्रल फोर्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अक्सर नहीं होती है, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। टेंशन आप लोगों को पता ही है, जो स्ट्रिंग में डेवलप होती है वो टेंशन होती है। क्यों डेवलप होती है टेंशन? जब आप किसी चीज को खींचते हो, जब आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हो तो उनके मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम या ज्यादा होने की कोशिश करती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो स्प्रिंग से बंधे हुए हों। तो स्प्रिंग की खास बात होती है, उसे खींचोगे तो भी उसे वापस आना है और उसे दबाओगे तो भी उसे वापस आना है। मींस दोनों ही दशाओं में उसको कहां लौटना होता है? अपनी मीन पोजिशन। तो जब आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हो तो उनके बीच की इंट्रा मॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाती है। बढ़ जाने से क्या होता है? वो अपनी वापस उसी सिचुएशन में जाने की कोशिश करते हैं, और जब वापस जाने की कोशिश करते हैं तो जो फोर्स लगाते हैं उसी को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं टेंशनल फोर्स। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स उल्टा है। जब आप किसी चीज को दबाते हो, जब आप कहीं पर पैर रखे मान लीजिए, या ये ब्लॉक रखा गया है इस पे, तो जब आप ब्लॉक रखते हो तो क्या होता है? ब्लॉक जहां जहां टच कर रहा होता है जमीन को, वहां पे ब्लॉक क्या है? जमीन को दबा रहा होता है। दबाने से क्या होता है? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस कम होती है। कम होती है तो ये वापस क्या होता है? वापस जाने की कोशिश करता है। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस कम होती है तो ये वापस अपनी पोजिशन में जाने की कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन बना देता है। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली दबने की वजह से क्रिएट हुई है, और टेंशन किसकी वजह से हुई है? खींचने की वजह से। दोनों का बिहेवियर दोनों का सेम ही है। समझ में आ रहा है? अब रह गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ओवरऑल वी आर ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग फोर टाइप ऑफ फोर्सेस विच कम अप रिपीटेडली इन मैकेनिक्स और डेली लाइफ। वो कौन कौन से है? ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेनन। मींस अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके एक्सप्लेनेशन चाहोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना। इवन अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज बाई लियोनार्डो डी विंची। आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये बताने से थोड़ा सा आपको क्या है ना, दुनिया अभी पता रहेगी कि भाई अब भाई लियोनार्डो डी विंची जब बता रहे हैं चीज को तो आपको मान लेना पड़ेगा कि हाँ भाई कॉम्प्लिकेटेड लिखा है तो सर कह रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड ही मान लो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज बाई लियोनार्डो डी विंची हैव फाउंड दैट द फोर्सेस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्सेस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोथ स्टैटिक्स static and kinetic are proportional to normal force acting on the block. या आप लोगों ने पढ़ा होगा limiting friction का जो law होता है, क्या है law of limiting friction?
वो सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया, प्रपोज किया एक्सपेरिमेंटली, और ये देखा कि भाई जो रिफ्रेक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शन में होगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू एन, इट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू एन म्यू एन, वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतनी बात तो आप लोगों ने लर्निंग्स में ही पढ़ी होगी। अब शब्द आता है एक दिमाग में कि लिमिटिंग क्यों लिखा हुआ है, अगर ये लिमिटिंग शब्द ना लिखे और केवल फ्रिक्शन लिखे तो क्या ये बातें सत्य नहीं है, और व्हाट डू मीन बाय लिमिटिंग, तो व्हाई टर्म लिमिटिंग, इसका जवाब ढूंढते हैं। चलिए सबसे पहली बात, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अभी मैं वापस इस स्लाइड पे लौटूंगा, सबसे पहले देखें, मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसपे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ ए, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ को डेवलप हो रहा है एफ आर, और नॉर्मल रिएक्शन है एन, नीचे की तरफ को एफ जी बी होगा, वो मैंने दिखाया नहीं, चलो अगर आपको लगता है दिखा देते हैं। ठीक है, ये फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। अब एफ ए को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, और एफ आर को नोट करना है। तो मैंने एक रफ डेटा दिया, देने की कोशिश की समझाने के लिए, कि मैंने क्या किया, एफ ए को जीरो रखा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाया, तो आप बता सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा होगा, कुछ भी नहीं। आप अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ भी नहीं होगा, और जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं के अलावा कुछ और, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि म्यू एन या कुछ भी नॉन जीरो चीज, तो आप खुद सोच के देखो, अगर इसका मतलब होता कि इस पे नेट फोर्स काम करने लगता, मान लीजिए चार ही होता, यहाँ कुछ नहीं होता, तो नेट फोर्स किधर लगने लगता, पीछे की तरफ को, बॉडी क्या होती, भागने लगती। क्या आपके सामने पड़ी हुई चीजें जो आपको दिख रही हैं अभी कमरे के अंदर, क्या वो भाग रही हैं, क्या वो भाग रही हैं, छुए भाग रही हैं, बिना छुए आपके घर में जो मोबाइल रखा हुआ वो भाग रहा है, नहीं क्यों नहीं भाग रहा, क्योंकि ना फोर्स है अप्लाइड, ना फिर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स है, तभी नहीं भाग रहा हो। अच्छा, आप उसी जिस टेबल पर आप लोग बैठे हुए ये क्लास ले रहे हो, उसी टेबल पर हल्का सा हाथ मार के देखो, हल्का सा मतलब हल्का सा हाथ रख लो बस, मतलब उसे खिसकाने के लिए, लेकिन खिसकाना नहीं, हल्का सा हाथ रखो, ताकत लगाने की थोड़ी सी कोशिश करो, आप देखोगे तब भी आपकी टेबल खिसकेगी नहीं, हल्का सा फोर्स लगाएंगे। मीन्स अगर आप अप्लाइड फोर्स को आप बढ़ाएं, जैसे मैंने यहां दिखाया जीरो से वन कर दे, तो नेट फोर्स तब भी जीरो हो रहेगा, तभी तो वो खिसक नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गया होगा। आपने इसे वन किया, ये भी वन हो गया, आपने इसे टू किया, ये भी टू हो गया, आपने इसे थ्री किया, ये भी थ्री हो गया, आपने इसे फोर किया, ये भी फोर हो गया। मीन्स आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा है, और जिससे नेट फोर्स जीरो होता जा रहा है, और आपकी बॉडी खिसक नहीं रही। लेकिन अगर यही कंटिन्यूस प्रोसेस रखें तो आप थोड़ी देर बाद खिसका भी लोगे, इसको अपनी टेबल पर और ताकत लगाओगे तो थोड़ी सी खिसकेगी। होगा या ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब होगा, यानी ये है ग्राफ जो बनाया है, ये ग्राफ बता रहा है कि जितना भी आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जा रहा है, जिस वजह से बॉडी रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, एक लिमिट तक बढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स। अब मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैंने दिखाने की कोशिश की, ब्राउन कलर की उससे दिखाया है। अब मैंने इस फ्रिक्शनल अप्लाइड फोर्स को जरा सा और बढ़ाया, 4.1 किया फॉर एग्जाम्पल, तो देखा आपने कि ये 3.9 हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया। फिर 4.2 करा तब भी 3.9 रहा, 5 करा तब भी 3.9 रहा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो से लेके लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ा, और फिर हल्का सा कम होके कांस्टेंट हो गया, जो कि ग्राफ में इस तरीके से दिखाने की कोशिश की, क्योंकि अब फ्रिक्शनल फोर्स कम है और अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तो बॉडी क्या होगी, आगे की तरफ को खिसकने लगेगी, तब बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो जितनी देर तक ये रेस्ट में है उस तक जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ये बॉडी मोशन में आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू के एन,
ये रहा, मैंने लिख दिया म्यू के एन, और जो डायनेमिक जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी जो पीक वैल्यू है वो है म्यू एस एन, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक। तो कह सकते हैं आप लोग क्या कि ये जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक जीरो से लेके एक लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ता है और फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो लियोनार्डो द विंची जो थे उन्होंने ये जो लॉ बताया वो बताया किसके लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। ये नियम किसके लिए बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। अब मुझे आप बता सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ बॉडी में, कितना डेवलप हुआ, अप्लाइड फोर्स जब जीरो था, जीरो से लेकर कहां तक, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन तक, इतनी दूर तक जो भी कुछ है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी वैल्यू है वो सर स्टैटिक फ्रिक्शन, और केवल ये पर्टिकुलर वैल्यू ये क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू एफ आर एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, एम आई करेक्ट और नॉट। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा बड़ी छोटी बात चल रही है लेकिन इसमें सवाल उलझा देते हैं लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ म्यू के एंड म्यू एस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, बट म्यू के इज जनरली लेस देन म्यू एस। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में, और ये बात आप महसूस भी कर सकते हैं अगर आप लोग देखते होंगे, चलती हुई चीज को चलाए रखना आसान होता है अपेक्षाकृत रुकी हुई चीज को चलाना। जैसे अगर आप एक कार में बैठे हुए या फिर आप एक रिक्शे में बैठे हुए, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब कई सारे लोग बैठ जाते हैं रिक्शे में तो रिक्शे वाले को थोड़ा हेल्प करने के लिए थोड़ा धक्का दे दिया जाता है जिससे कि वो किस में आ जाए, इस रीजन को पार कर जाए, किस रीजन को, इस रीजन को पार कर जाए, वो अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आ जाए, उसके बाद लोग कूद कर चढ़ जाते हैं रिक्शे पर, जिससे क्या होता है उसको थोड़ा कम फोर्स लगाकर उसे खींचने में आसानी हो जाती है। अब डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब डायनेमिक मतलब कई तरीके का हो सकता है। अब कई तरीके का कौन कौन सा, स्लाइडिंग हो सकता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखा गया है रोलिंग फ्रिक्शन इज मच 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 लेसर देन एनी अदर टाइप ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, किसी भी तरीके के डायनेमिक फ्रिक्शन से काफी कम होता है। जब चीज रोल करनी होती है तो आसानी से रोल हो जाती है क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में ही रहता है ड्यूरिंग रोलिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर बोल रहा हूं, ड्यूरिंग रोलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लगभग रेस्ट में ही होता है। ये दिखाने की कोशिश भी की है मैंने, वो देखें आप जरा, प्योर रोटेशन अगर हो रहा होता है, जैसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरी हर बात पे ध्यान देना। आप लोग घर में साइकिल होगी, साइकिल को स्टैंड पे लगा दो, स्टैंड पे लगा के घुमा दो, स्टैंड पे लगा के पीछे वाले पहिए को घुमा दो, क्या होगा, प्योर रोलिंग होगी, प्योर रोटेशन होंगे, प्योर रोटेशन। और प्योर रोटेशन में क्या होगा, ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, भाई प्योर रोटेशन ऐसे ही तो बोलते हैं। ये रेड वाली कलर का, रेड कलर का दिखाया है प्योर रोटेशन, आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसके अंदर केवल, नहीं होगी, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिनट। वही खड़ा हुआ है, लेकिन अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन देनी है किसी पहिए को या किसी व्हील को तो आप कैसे दोगे, उसी साइकिल के पहिए को आपको ट्रांसलेशनल मोशन देनी है तो कैसे दोगे, कोई बताएगा, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रखते हैं सर, उसके ब्रेक मार देंगे और उसको धक्का दे देंगे। वेरी गुड, उसके पहले जो इस व्हील है उसको जाम कर लेंगे या तो लॉक लगा देंगे, लॉक लगा के उसके बाद उसको खचेड़ देंगे, मतलब उसको धक्का देंगे इस तरीके से कि उसका व्हील घूमे नहीं बस फिसल ले, है ना। फिसलते वक्त आप बताएं, फिर तो ये ब्लॉक हो गया एक तरीके का, ब्लॉक हो गया मतलब फिसलती हुई चीज में तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, आगे की तरफ को ना, फिसलती हुई चीज
चीज में वेलोसिटी कहां की तरफ को, आगे की तरफ को, नहीं हर जगह कोई भी पॉइंट, यानी कि जो इसका हर कोई भी पॉइंट चाहे सर्कमफ्रेंस का चाहे इसके एक्सिस का, सारे पॉइंट क्या होंगे, आगे की तरफ को भाग रहे होंगे। ये ब्लू कलर के जो वेक्टर दिखाए गए हैं ये इसकी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का दिखाया गया है। आप पीछे देखें और आगे देखें। अब क्या करो, साइकिल को स्टैंड से उतार दो और ताले को हटा दो, ब्रेक हटा दो और चलने दो उसे, खुशी से चलती है। क्या होता है उसके साथ, चलती भी है और घूमती भी, मतलब उसको बोलते हैं रोलिंग, आगे बढ़ रही है और घूम भी रही है। देखा आपने किसी ने रोल होते हुए पहिया, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो किसी और कैंडिडेट से बात कर रहे होंगे, वरना आप सड़क पर देख लेंगे सारी चीजें रोल ही कर रही है, ठीक है। तो रोल जब करेगी तो जो वेक्टर आगे की तरफ को है वो देखें आप ध्यान से, वो जुड़ जाएंगे और जो बॉटम वाला वेक्टर है वो घट जाएगा। ये वाला वेक्टोरियली मतलब अगर आप देखें तो इसे क्या रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां भी अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी देखें तो कितनी आएगी, अंडर रूट आर आर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है, भाई सेंटर ऑफ मास थोड़ी घूम रहा था, वो तो आगे ही बढ़ रहा था, सिर्फ अभी भी आगे बढ़ रहा होगा। अब यहां पर मैं अगर एक कंडीशन लगा दूं, क्या इफ बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब समझना खेल तो यहां से शुरू होगा। अगर बी आर ओमेगा के बराबर हो जाए तो बताओ कि क्या हाल होगा, ऊपर वाला वेक्टर दुगना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रेड वाला और ब्लू वाला बराबर हो जाएंगे तो टू टाइम्स हो जाएगा, एकदम वेलोसिटी क्या हो जाएगी आगे की तरफ को ज्यादा हो जाएगी, और बॉटम वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ यही केस नहीं हो जाएगा जो थर्ड पिक्चर में दिखाया। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बी सी ओ एम है तो ऊपर वाले की दुगनी हो जाएगी और नीचे वाले की जीरो हो जाएगी, यानी इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट रोलिंग, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट रोलिंग। और हम लोग कोशिश करते हैं अपने जीवन में कि रोलिंग हो लेकिन परफेक्ट हो। परफेक्ट रोलिंग में क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन मतलब ही नहीं है, जब कोई चीज रगड़ेगी ही नहीं, जब कोई रबी नहीं होगी चीज तो फिर फ्रिक्शन भी मिनिमाइज हो जाएगा बहुत, उस मिनिमाइज फ्रिक्शन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। Similarly, rolling friction is also equal to mu r into n, where mu r is called coefficient of rolling friction. इसीलिए आप लोग साइकिल वगैरह में आप देखोगे तो बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग देखे होंगे वो लोग जानते होंगे, वैसे बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों ने 11th क्लास में पिक्चर भी बना हुआ देखा होगा इसका। यस सर। बॉल बियरिंग्स अक्सर लोग पटले के नीचे लगा के चलते थे, आप लोगों ने अगर यस सर बचपन में चलाते थे सर। शान मूवी थी, एक शान नहीं सॉरी डॉन या शान, मुझे नहीं पता, अमिताभ बच्चन की। हाँ, उसमें वो पटला था जिसमें लोग भीख मांगते थे पहले, तो पटले के नीचे लगा के रखते थे साइकिल के ये बॉल बियरिंग्स, आप लोगों ने देखा, इसी में ओवरहॉलिंग वगैरह करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, दोनों जो सिलेंडर है जिसके ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ है वो आपस में ना रगड़ कर क्या होते हैं, उनके बीच में छोटी छोटी गोलियां होती हैं स्टील की, वो रोल करती है, और वो जो स्टील की गोलियां रोल करती है तो इनमें रोलिंग फ्रिक्शन डेवलप होता है जिससे स्लिप ना होकर रोल कर जाती है और अपना काम बन जाता है और आराम से साइकिल चलती रहती है। समझ रहे हो नहीं, या आपको अगर कभी भी घर में सामान शिफ्ट करना हो तो मैं आपको तरीका बताता हूं, बड़े बड़े भारी बक्से आराम से शिफ्ट हो जाएंगे, आप लोग ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको क्या करो, दो डंडे ले लो, उसके ऊपर रख लो उसको, दो डंडे लेके मतलब डंडे समझ रहे हो ना, दो डंडे समझ रहे हो, दो पाइप ले लो, पाइप गोल सर, स्टील के पाइप ले लो दो,
और उसके ऊपर कितना भी भारी सामान रख दो, ऐसा ना हो कि स्टील के पाइप ही पे चढ़ जाए। स्टील के पाइप के ऊपर कितना भी भारी सामान रख के आप उसको रोल करोगे बड़े आराम से आगे बढ़ेगा, नहीं, जो चीज खिसक नहीं रही होगी वो आराम से रोल करती हुई आगे बढ़ेगी, आपका काम भी बन जाएगा, शिफ्ट भी हो जाएगा सामान, और आपको ताकत भी कम लगानी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपको कार रोकनी होती है या फिर आप लोग जब साइकिल को रोकते होगे या बाइक को रोकते होगे तो आप ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने से होता क्या है, अगर आप इस स्लाइड में कुछ बोलना चाहते हो ब्रेक लगाने से होता क्या है, तो इसी स्लाइड से रिलेटेड बात बोले, क्या होता है ब्रेक लगाने से? फ्रिक्शन डेवलप होता है सर, उसके जो कौन सा फ्रिक्शन, सर वो रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन नहीं बढ़ जाता बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन खत्म होकर ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन चालू हो जाता है उसमें, मतलब रोलिंग मोशन खत्म हो जाती है और स्लिपिंग मोशन चालू हो जाती है। स्लिप होना वाला फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बाइक रुक जाती है। जो लोग फिर भी बहुत तेज ले जाते हैं बाइक 100 की स्पीड से 120 की स्पीड से, तो उनके साथ क्या होता है, वो ब्रेक मारते हैं, स्लिप होती है, स्लिप होने के बाद थोड़ी देर रगड़ती है, उसके बाद गिर जाते हैं और चोट लग जाती, समझ रहे हो ना? अक्सर देखे होंगे आप लोगों ने रोड पर टायरों के निशान घिसे हुए, तो वो किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो हुआ इनर्शिया की वजह से। जब आप अपना अमाउंट ऑफ मोशन इतनी लेके चल रहे हो तब तो आप बचोगे ही नहीं, ठीक है? तो ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब था, आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शन समझ में कितना आया, रोलिंग मोशन कितना समझ में आया, ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है ये कितना समझ में आया मुझे नहीं पता। अगर आपको कोई डाउट है फिर पूछ ले आप लोग मुझसे। सर यहाँ पे जो रोलिंग मोशन ना वो थोड़ा बता दीजिए, परफेक्ट वाला कैसे, वहां ट्वाइस भी COM हो जा रहा है। देखो बेटा ये है रोलिंग मोशन, ये परफेक्ट नहीं है, अगर V बराबर R ओमेगा हो जाए तो परफेक्ट रोलिंग, क्योंकि तब क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। अगर B इज ग्रेटर देन R ओमेगा हो जाए आप सोचो क्या होगा हाल, अगर B R ओमेगा से बड़ा हो जाए तो स्लिप ज्यादा करेगा, घूमेगा कम, यही तो होगा, कोई चीज घूम कम रही है लेकिन आगे ज्यादा बढ़ रही है। जो ओवर स्पीडिंग के बाद जो होता है एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो इसी वजह से तो होते हैं, घूम कम रही है लेकिन स्लिप ज्यादा हो रही है इनर्शिया की वजह से, तो गिरेगा आदमी कोई भी। और अक्सर एक होता है V is less than R omega, अगर V R omega से कम हुआ तो इधर की तरफ को ज्यादा है, मतलब इसके अंदर रोटेशन ज्यादा हो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कभी आप लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह से अगर खेतों के अंदर देखा हो, ट्रैक्टर से जुताई होती है जब खेतों में, आप लोगों ने हो सकता है कभी खेत भी ना देखे हो, तो यही कंडीशन होती है जो ये खेतों में ये वाली कंडीशन डेवलप होती है कि मैं तो चलाया भी, हाँ चलाया भी अच्छी बात है, वी कम होता है लेकिन आर ओमेगा खूब होता है, घूम खूब रहा होता है लेकिन आगे नहीं निकल पा रहा होता है ना, तो ये सिचुएशंस ना हो वो वाली कंडीशन क्या है, वो उसका नाम है परफेक्ट रोलिंग, वो तभी हो सकती है जब बी बराबर आर ओमेगा हो, जब स्मूथली हैप्पीली चल रहा हो वो ट्रैक्टर, वो कंडीशन ये पिक्चर में दिखाई है सी वाले में। मेरी बात से सहमत है आप लोग? यस सर। अच्छा ये नेट में सेक्शन ए में एक बार क्वेश्चन आया था, इसकी स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो ऊपर वाले की और नीचे वाले की क्या होगी, आंसर 40 और 0। तो ये पार्ट ए में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो वो पार्ट ए में पूछ लिए जाते हैं। पार्ट ए क्या कहलाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड भी आता है ना। और कोई डाउट सर, इसमें जो आर ओमेगा और वी परपेंडिकुलर है उनके रिजल्ट्स कैसे निकालें? बेटा ये तो आपको वेलोसिटी जोड़नी आती होंगी, ये वाली अच्छा ऐसे निकल आएगी क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये निकल आए। इस तरीके का जैम में क्वेश्चन भी आ चुका है। आप ये चीज देखना चाहो ना तो आज ही साइकिल को क्या करना ना, पानी उस साइकिल को चलाते, अच्छा एक काम करना, बहुत मतलब थोड़ा सा खराब काम कह रहा हूँ, साइकिल के नीचे चलती, साइकिल के नीचे कभी अपना हाथ रख के देखना, हालांकि हल्की साइकिल हो कोई बैठा ना हो उस पे,
तो आप देखोगे हाथ के ऊपर से साइकिल उतर जाएगी लेकिन हाथ नहीं हिलेगा आपका, या किसी भी चीज के ऊपर से उतरती हुई निकल जाएगी। लेकिन अगर वही चीज आप ऊपर रख दोगे ना पहिए के ऊपर, तो आपका हाथ भागेगा ऐसे। नहीं समझ में आया कुछ? समझ आ गया सर। ठीक है, अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट है इस वाली पिक्चर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। बहुत सारे सवाल इससे करवाऊंगा मैं। चले आगे सर। सर एक बार काइनेटिक वाला बता दो। काइनेटिक फ्रिक्शन? हाँ जी सर। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने बताया ना बेटा कि होता क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचते हो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की, तो उसके बाद इंटरलॉकिंग खत्म हो जाती है। इंटरलॉकिंग मतलब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से डेवलप होता है, इसके कई सारे कंसेप्ट हैं, कई सारे कंसेप्ट हैं फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होने के। उनमें एक ये भी कंसेप्ट है कि इररेगुलरिटीज के बीच में सरफेसेस का फंस जाना, इसका कारण है कौन? फ्रिक्शन। अब एक बार आपने फोर्स लगा के इन इररेगुलरिटीज में से क्या निकाल लिया, अपनी सरफेस को बाहर निकाल लिया, बाहर आ गई, मोशन में आ गई। तो इंटरलॉकिंग तोड़ने में जितना भी जरूरत थी जिस चीज की वो हो गया, फोर्स लग गया, उसके बाद उस इंटरलॉकिंग को होने नहीं देते मोशन के दौरान, तो कम फोर्स में काम चल जाता है। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? ओके थैंक यू सर। चले भाई अब टाइम नहीं निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे तुरंत ही। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड रोलिंग कंडीशन। If V is equal to R omega, it is called perfect rolling. It is also mentioned as rolling condition. ये मैं कब आपको बताऊंगा? जब मैं classical mechanics पढ़ाऊंगा। और जो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे क्या क्या, वो देखो under root B to root 2 भी आएगा, ये under root 2 भी आएगा, ये 0 आएगा, ये V आएगा और ये 2 भी आएगा। सही लिखा है? Where V is the velocity of CM. If V is greater than R omega, rolling with slipping, इसको बोलते हैं rolling with slipping, है ना? Slip भी हो रहा होगा, roll भी हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अक्सर आप क्या करोगे, ये तो हो गया rolling, मैंने forces के बारे में discussion कर दिया आप लोगों से, force क्या होते हैं, force की definition क्या होती है, zero force क्या होता है, force कितना होता है, force कैसे behave करता है, कौन कौन से force होते हैं, कौन कौन से हमारे मैकेनिक्स में फोर्सेस से पल्ला पड़ेगा, मतलब हम लोगों को कौन कौन से फोर्सेस को फेस करना पड़ेगा, वो हमने डिस्कशन कर दिया। सीक्वेंस से चला रहा हूं बिल्कुल मैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं सर्कमस्टांसेस की। अक्सर आप दो जगह होंगे, या तो चीजें रुकी हुई होंगी या चल रही होंगी, है ना? और क्या हो रहा होगा? या तो जो कुछ होगा आप कमरे में नजर डाल के देख लो, दुनिया में नजर डाल के देख लो, या तो रुका हुआ होगा या चल रहा होगा। तो जो रुका हुआ होगा उसकी स्टडी अगर करनी है तो वो स्टैटिक्स है बेसिकली ब्रांच। और स्टैटिक्स क्या है, क्या स्टैटिक्स का प्रिंसिपल है वो आप समझें, और जब चल रहा होगा तब भी बात करेंगे। तो स्टैटिक्स क्या है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। सिस्टम मींस व्हाट? जो जो भी आप डिस्कस करने जा रहे हो, सिस्टम वो है जिसको आपको स्टडी करना है। जैसे मान लीजिए बोट और पर्सन की प्रॉब्लम है, एक पर्सन है बोट पर चढ़ा हुआ है ना, तो सिस्टम कौन हुआ? बोट प्लस पर्सन, भाई यही तो सिस्टम हुआ। अगर आप मान लीजिए एक लिफ्ट में, तो सिस्टम कौन हुआ? लिफ्ट और आप। ओके, the net external force acting on system must be zero and net external torque acting on the system must be zero. मतलब statics का principle क्या है? ये principle है कि केवल forces ही zero कर देने मात्र से कोई चीज रुक नहीं जाती, torque को भी zero करना पड़ता है। आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि अगर फोर्स जीरो हुए, नेट फोर्स जीरो हुए तो चीजें घूम सकती हैं, नेट टॉर्क जीरो हुआ
तो चीजें चल सकती हैं, लेकिन जब दोनों जीरो होंगे तो ना कोई चलेगा ना कोई घूमेगा। क्या कोई आपको ऐसी सिचुएशन पता है जब नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क कुछ हो? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो ये कंडीशन नहीं होगी, फोर्स लग जाएगा। फोर्स लग जाएगा सर। मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम रहता है ना सर, मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है? हाँ बिल्कुल सेम चीज देता है। ओवरऑल आपने ऐसा देखा होगा मैकेनिक्स में, आपने कहीं देखा है जहां पर नेट फोर्स भी जीरो हो और टॉर्क जीरो ना हो? नेट फोर्स जीरो हो टॉर्क जीरो ना हो, अभी किसी बच्चे ने बोला था? फैन। फैन आपके घर में जो पंखा लटका हुआ है सीलिंग फैन, वो देखो वहीं घूम रहा होगा बेचारा, घूम रहा है ना, आपकी सेवा में तत्पर है, फोर्स नहीं लग रहा इसलिए वही है। अगर फोर्स लग रहा होता तो भागते भी हैं पंखे बहुत। टॉर्क जी नॉन जीरो इसलिए घूम रहा है आराम से। क्या ऐसी सिचुएशन देखिए नेट टॉर्क जीरो लेकिन नेट फोर्स जीरो ना हो? यस सर। कहाँ? कैरम बोर्ड की गोटियां होती हैं सर, वो सरकती जाती हैं सीधा। कैरम बोर्ड की गोटियां होती हैं। वैसे कोई भी प्रॉब्लम देख लो जो मैकेनिक्स में आप लोगों ने करी होगी शुरुआत के चैप्टरों में, उन सब में नेट फोर्स क्या होता है? नॉन जीरो होता है। और नेट टॉर्क देखते ही नहीं है हम, कहाँ देखते हैं नेट टॉर्क? अक्सर नहीं देखते। ट्रांसलेशनल मोशन भी? ट्रांसलेशनल मोशन हाँ कह सकते हो, ट्रांसलेशनल मोशन जहां जहां ट्रांसलेशनल मोशन है वहां पे नेट टॉर्क जीरो ही है। कोई भी पिक्चर आप देख लो, यहाँ एम जी दिखाओगे या यहाँ पे ना एन दिखाओगे, यहाँ एफ आर दिखाओगे, तो आप इसके अबाउट अगर टॉर्क लोगे जीरो नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क में तो फोर्स भी होता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर दूरी भी होती है, वही नहीं तो जहां पे नहीं होती वहां पे बोलते नहीं है लेकिन होता सब है। ओवरऑल आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कब कॉन्स्टेंट, कब चीज रेस्ट में होगी, कब स्टेटिक्स में होगी, जब दोनों चीजें जीरो हो, अदरवाइज स्टेटिक्स में नहीं होगी। ठीक है, अब बड़े सुंदर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं कि टॉर्क लेने वाली बात जब आ रही है तो टॉर्क की बात मैं बताऊं आपको कहां कहां देखने को मिलेगी, जो मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो टॉर्क समझ लो क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है? फोर्स क्रॉस, कम शब्दों में बोले तो आर क्रॉस। मान लीजिए ये कोई पिवोट है ब्लू कलर की जो दिख रही है और ग्रीन कलर की कोई रॉड है और इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना टॉर्क मिलेगा इस पिवोट के रिस्पेक्ट में? पहली बात तो टॉर्क क्या है, पॉइंट वाइज होता, मतलब पॉइंट प्रॉपर्टी है। किसी पॉइंट के अबाउट ही होगा, तो पिवोट के अबाउट अगर टॉर्क लिखना तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड लिखना हो तो सर एफ इंटू डी, अगर फोर्स एफ है, एफ इंटू स्मॉल डी ना, यस सर, डी टू डी ओवर 90 डिग्री, डी है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये येलो कलर वाली जो मैंने बनाई हुई है, और ये येलो कलर से जो येलो ब्लू कलर की तक की वो कितने डी है, स्मॉल डी, तो डी हो जाएगी। अब जरा इस केस में बता रहे टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क, ये पॉइंट अगर ओ मानू तो ओ के अबाउट कितना होगा? फोर्स इनटू, फोर्स की परपेंडिकुलर डोरी कितनी होगी, लाइन ऑफ एक्शन ये है ये वाली,
तो ये आर है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। अच्छा इस केस में बताओ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, इसके अबाउट बताओ एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, फोर्स इनटू सर फोर्स इनटू आर टू स्मॉलर स्मॉलर आर टू आएगा ना सर, परपेंडिकुलर आर टू नहीं बेटा, आर परपेंडिकुलर लिखा है। और कम शब्दों में कहूं तो आर साइन थीटा, तो होता क्या है टॉर्क को, अगर आपको टॉर्क क्या होता है बेसिकली फोर्स का मोमेंट, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। और मान लीजिए एक पर्टिकुलर व्हील को आप लोग घुमाने के लिए मिनिमम टॉर्क टाउ की जरूरत है, तो टॉर्क को दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। कैसे कैसे? या तो आप फोर्स को बढ़ाओ या फिर आर परपेंडिकुलर को बढ़ाओ। फोर्स को बढ़ाया तो कोई मतलब नहीं, आर परपेंडिकुलर को बढ़ाया तो आपने दिमाग वाला काम किया। मतलब ये तो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है, और ये आपकी विजडम पे। ये आपकी वाइजनेस पे, मतलब आप कितने क्लेवर है। नहीं, अगर आपको नल चलाना होता है, हत्ता लगाना, आप लोगों ने हैंडपंप चलाए? हाँ सर। यस सर। दूर से पकड़ते होगे तो आराम से चलता होगा, दूर से पकड़ो तो आराम से चलता है, पास से पकड़ो तो धीरे धीरे चलता होगा। ऐसे ही आप लोगों ने चक्की देखी होगी। हाँ सर। गांव में होती है चक्कियां जिसमें एक हत्ता लगा हुआ होता है इस तरीके का, आटा पिसता। हाँ, आटा पिसता था जिसपे पुराने समय में। हाँ, अभी भी लोग इसकी पूजा करते हैं। हाँ सर, लोग करते हैं अभी भी इसकी पूजा, क्योंकि ये बेसिकली हम लोगों को खाना देती थी इसलिए इसकी पूजा करते हैं। आज भी जब भी कभी मूवीज में बताया जाता है कि भाई जेल की चक्की पीसोगे तो यही वाली चक्कियां पिसाई जाती थी वहां पर, है ना। तो ये चक्की में हत्ता अगर यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दिया होता और उसे एक कुंटल गेहूं दे दिए जाते तो बस काला पानी के बराबर है, समझो। नहीं? Yes, sir. तो इस हत्ते की पोजीशन को बदलकर आप वेरियस तरीके के जो क्रिमिनल्स हैं उनको डिसाइड कर सकते हो उनकी सजा, क्योंकि आपने क्या किया, कुछ नहीं बदला, केवल वो आर परपेंडिकुलर जो है वो उनकी बदल दी। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये आर परपेंडिकुलर जो आपकी विजडम पे डिपेंडेंट है, इसी का इस्तेमाल सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया, और आर्किमिडीज ने लीवर का आविष्कार किया। आप लोगों ने हिंदी में उसका नाम सुना होगा उत्तोलक, सुना है नाम? नहीं? यस सर, सुना है सर। उसमें क्या होता है, उन्होंने एक शब्द बोला था, आर्किमिडीज ने एक सेंटेंस बोला था, हालांकि वो एक अतिशयोक्ति थी, एक तरीके का हाइपरबोलिक था सेंटेंस, कि अगर उनको एक डंडा दे दिया जाए और एक आयास दे दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को उलट सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला था, मतलब कहना ये चाह रहे थे कि किसी लीवर से आप कोई भी काम बड़े से बड़ा करा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी क्रेनें हैं जो खुद देखने में बड़ी छोटी लगती हैं, और उनसे रेलगाड़ी के जो डिब्बे हैं वो लटकाए हुए घूमती हैं, नहीं देखा? हाँ सर। बड़े बड़े काम जो है वो छोटी छोटी मशीनें कर रही होती हैं, उतना हैवी काम जितना हैवी काम 1000 आदमी मिलकर नहीं कर सकते, तो वो लीवर्स है ना। लीवर्स क्या है, मशीन्स क्या है, जो लोगों का काम रिड्यूस कर दे। थ्री इडियट में भी यही डेफिनेशन बताई थी, है ना? यस सर। यस सर। टॉर्क लेना आपको आना चाहिए। टॉर्क अक्सर बच्चों की गलती होती है आर परपेंडिकुलर लिखने में, तो वो हम बताएंगे आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग पूछेंगे। हालांकि मैं मान के चलता हूं कि आप बता देंगे। बेटा आवाज बंद करके बात करो। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, आप ही सभी को पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आप लोग अक्सर ये वाला तो रिजल्टेंट बता देते हो लेकिन ये वाला भूल जाते हो। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, अगर आपको एफ लिखना हो तो क्या लिखोगे, एफ वन प्लस एफ टू, एफ इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर। वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो f इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। हाँ सर, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस f का मैग्नीट्यूड आप बोल रहे हो तो आप बोलो अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा कॉस थीटा। और ये हो गया आपका, अगर इनके बीच का एंगल मैं थीटा की बात करूं तो टेन इनवर्स, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूं यहां से, इसका प्रूफ भी ऐसे ही होता है। ये एफ टू है तो ये भी एफ टू होगा, और ये अल्फा है तो एफ टू, अच्छा थीटा नहीं अल्फा होगा, ये एफ टू कॉस अल्फा और एफ टू साइन अल्फा। ठीक है, और आप जब टेन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ टू साइन अल्फा अपॉन एफ वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा। ये तो हुआ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन अब यहीं पर एडिशनली एक मैं बात और बता देता हूँ, जो कि अक्सर डायरेक्ट लिखने को कहता हूँ, कहूंगा मैं, ये डिफरेंस वेक्टर, ये बता सकते हो आप लोग ये डिफरेंस वेक्टर कितने के बराबर होता है? F1 minus F2. F1 minus F2. एरो देख को बताना, एरो देख कर गलती होने का चांस है। F1 minus F2 या F1 plus F2? So, कौन सा वाला? ब्लू वाला सर? ब्लू वाला। F1 minus F2. Yes, sir. F1 minus F2 होगा सर। Yes, F1 minus 2 minus F1 होगा। देख के लिखो ना, क्या दिक्कत है? Yes, sir. बता सकते हो डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जैसे ऊपर वाला फार्मूला बताया वैसे ही बता दोगे तो और अच्छा लगेगा। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos 182 कैसे कैसे लिखा कैसे लिखा ऊपर वाला तो मेरे समझ में आ गया, नीचे वाला कैसे बोल रहे हो? बोलोगे या फिर कुछ मैं बता दूं? बता दो सर। तो पाई माइनस अल्फा एंगल डालना है बस। पाई माइनस अल्फा एंगल डालना, क्यों सर? माइनस एफ टू अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एफ टू के मतलब पैरेलल में, तो एफ वन और माइनस एफ टू का एंगल लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इसको उल्टा कर दो और इसके बाद जोड़ दो, ये तो कह रहे हो ना, इसको उल्टा कर दो और इसमें जोड़ दो एफ वन, तो इसके पैरेलल ही बन जाएगा वेक्टर ये वाला, यही तो कहना चाह रहा बेटा। तो आपका कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, ये एंगल कितने से रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा से। वैसे कोसाइन फार्मूला लगा के भी लिख सकते थे, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा। ठीक है ना? Yes. चलिए, एक लामीज थ्योरम आपने पढ़ी होगी,
किसी ने पढ़ी है लामी थ्योरम? याद नहीं सर। यस सर। तीन वेक्टर का इक्विलिब्रियम। थीटा प्लस कोस का मैजिक वन वाली। हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। यस सर। एफ टू एफ थ्री बेसिकली फोर्सेस वेक्टर्स में भी क्या है फोर्सेस इनका इक्विलिब्रियम ही को रिप्रेजेंट करती है क्या इस इक्विलिब्रियम में हो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो तो क्या कंडीशन मेंटेन स्टेट क्या है इस थ्योरम का F1 अपॉन सामने वाले एंगल का साइन F2 अपॉन सामने वाले एंगल का साइन F3 अपॉन सामने वाले एंगल का साइन ये है अगर ये रेशियो है तो ये क्या होंगे ये वेक्टर्स ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे इनका रिजल्टेंट कितना आएगा एफ नेट फोर्स कितना आएगा इनका जीरो है ये लामीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट है हाउ कैन यू प्रूव दिस बड़ा आसानी से आप प्रूव कर सकते हो लेट अस ड्रॉ कंस्ट्रक्शन सम कंस्ट्रक्शन ये देखिए मैंने एक पैरेलल लाइन खींच ली दोनों के दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा F1 और F3 का ये ब्राउन वाला आएगा ना अगर ये ब्राउन वाला और F2 मतलब F1 F2 का रिजल्टेंट अगर F2 के बराबर हो जाए इक्वल एंड अपोजिट तो जीरो आ जाएगा नेट फोर्स तो इसका मतलब यह हुआ है F2 का उल्टा होना चाहिए ये रिजल्टेंट यानी ये वाला होना चाहिए माइनस F2 लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में कहूं तो ये F2 ही होना चाहिए है ना अभी तो ये क्या होगा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा अब जरा एंगल की बात करूं ये एंगल कितने होंगे ये वाला एंगल कितना होगा ये वाला मैं दूसरे कलर के पेन से दिखा देता हूं ये वाला एंगल कितना होगा पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा और ये वाला एंगल कितना होगा ये वाला दिख रहा है बता सकते बेटा सेम ही होगा क्या पाई माइनस गामा पाई माइनस गामा आप देख नहीं रहे हो फिर ध्यान से ये पाई ये वाला एंगल कितना होगा ये वाला पाई माइनस गामा माइनस गामा और अगर ये पाई माइनस गामा होगा तो ये भी पाई माइनस गामा ही तो होगा हाँ ये सही पाई माइनस गामा और ये वाला कितना होगा ये बता दो फिर बोलो अरे इसको कुछ एंगल मान लेते इसको कुछ एंगल मान लेते थीटा प्लस पाई माइनस अल्फा अल्फा प्लस गामा माइनस पाई माइनस बीटा बराबर 180 पाई और थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई
और अल्फा प्लस बीटा टू पाई, तो ये वाला हो जाएगा टू पाई माइनस गामा माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस गामा, नहीं हो जाएगा सॉरी मैंने यहाँ गामा लिखा, हाँ गामा लिखा, हाँ ये गामा होगा, ये वाला भी गामा होगा और ये वाला बीटा होगा, तो पाई माइनस बीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आई? अब ट्राइंगल का रूल आपको पता ही होगा, साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या कहता है, साइन अपॉन ए, यानी कि एफ वन के सामने कौन है, एफ वन के सामने वाला एंगल पाई माइनस बीटा, एफ वन ये है तो ये वाला ये है एफ वन, एफ वन के सामने वाला है पाई माइनस अल्फा, एफ टू के सामने वाला है पाई माइनस बीटा और एफ थ्री के सामने है पाई माइनस गामा। साइन पाई माइनस अल्फा अल्फा होता है, ये हो गया इसका प्रूफ, कोई दिक्कत? तो बेसिकली दिस इज लामीज थ्योरम। क्या कोई प्रॉब्लम आ रही किसी बच्चे को? चलूं आगे? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लॉज ऑफ मोशन के जो मेन रिजल्ट्स हैं उनको हम थोड़ा समराइज कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो सब अब मैं आता हूं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। सो व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ? तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड हर बार लगभग एक क्वेश्चन आता है वो मैं आपको करवा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। तो मैं यहाँ दो केसेस करवा रहा हूं, पहला केस हॉरिजॉन्टल मोशन का, दूसरा केस वर्टिकल मोशन का इन ड्रैग मीडियम। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इन ए मीडियम इन विच द रिटार्डिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मींस यहां पर एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शन में, ड्रैग फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शन में है, इज कॉन्स्टेंट, और किसके प्रोपोर्शन में, वेलोसिटी के किसी फंक्शन के प्रोपोर्शन में, इट इज डिपेंडेंट ऑन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे भी मैं एक स्पेशल केस लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि वजह है फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, एफ बी ले लूंगा। फॉर एग्जांपल इफ एफ बी इज इक्वल टू वी, मतलब इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन लीनियर टर्म, देन एफ डी इज इक्वल टू हाउ मच, के इंटू वी, ठीक है। आपको सवालों में अलग अलग भी मिलेगा, एफ बी बी स्क्वायर भी हो सकता है, वी क्यूब भी हो सकता है, साइन बी टेन बी कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये मान लिया कि एफ बी जो है बी के प्रोपोर्शन में। सुनाई दे रहा है सब लोगों को मेरी बात? Yes, sir. तो यहां से हमने मान लिया, ऐसा देखने में इसलिए आया है क्योंकि अक्सर ड्रैग फोर्स लीनियरली डिपेंडेंट करते हैं वेलोसिटी पे। जैसे आप लोगों ने एक ड्रैग फोर्स का नाम सुना होगा, स्टोक्स फोर्स, 6 पाई ईटा आर वी। यस सर, 6 पाई ईटा आर वी। यस सर, विस्कोसिटी वाले चैप्टर में सर। हाँ, तो वी पे डिपेंडेंट आया ना, इसीलिए मैं वी वाला लेके चल रहा हूँ, बाकी आपका सवाल कोई भी आ जाए। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो b नॉट वेलोसिटी से चल रहा है एट t इज इक्वल टू जीरो पे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, b नॉट है,
और चलते चलते क्या हुआ, ये एक मीडियम में पहुंच गया जिस मीडियम में ड्रैग है, ये मैंने ड्रैग को दिखाने की कोशिश की, पानी हो सकती है, हवा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस ड्रैग मीडियम में पार्टिकल धीरे धीरे ऑब्वियस है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने लगेगा, फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स, जिससे इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। लेकिन वेलोसिटी कम होने लगेगी तो ड्रैग फोर्स भी कम होने लगेगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स भी प्रोपोर्शन है किसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी के। तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, धीरे धीरे ड्रैग फोर्स कम होगा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी और कम होगी, ड्रैग फोर्स और कम होगा। ये सिलसिला कब तक चलेगा ये हमें देखना है, कितनी देर तक ये चलेगा, कितनी देर चल, कितनी दूर चलने के बाद रुक जाएगा, ये सब हमें देखना है। तो मान लीजिए t is equal to t, I am drawing another picture of the same velocity, same. Let us consider the velocity gets vt at this instant. ठीक है, तो v naught से चला और vt पे इसकी velocity आ गई, तो what is vt in terms of v naught? My point है, so let us apply क्या है न्यूटन्स लॉ, माप उल्टा के चलो, एम सर वॉइस ब्रेक हो इज इक्वल टू एफ कंटिन्यू करते हैं। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर। यस सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है सर। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, एम में उल्टा लगाएंगे ना, क्योंकि एम इज नॉट फोर्स, फोर्सेस जो भी मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा वो फोर्स होगा। तो कौन सा इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ड्रैग FD, ड्रैग फोर्स, विच इज इक्वल टू हाउ मच, KV, माइनस KV, एक वॉइस नहीं आ रही ना, मुझे कह रहे हैं। हाँ बेटा, आप आवाज सुनो, एक्चुअली बच्चे भी परेशान हो जाते हैं घर के, वो भी आने लगते हैं ना पढ़ने। सो एम इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के बी, यही तो है फोर्स, और ये बेसिकली इसका रिटार्डेशन है। जरा अगर मैं इसको ऐसे लिख लू, एम इंटू डी बी is equal to k into dv by d, into k by m into dt। आवाज आ रही मेरी? Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्या मैं इसको रिअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं? Yes. अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं, that t is equal to zero, velocity is v naught, and t is equal to t, velocity is vt. So what is the integration of these two? Log v, log vt minus log v naught, yahi to hoga integral. Theek likha hai maine? Nahi, yes.
के टी अपॉन एम के टी अपॉन एम तो यहां पे ये हो जाएगा वी टी अपॉन वी नॉट. मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूं जस्ट अ मिनट. अभी नेगेटिव साइन जो बच्चे पूछ रहे हैं ना वो जानबूझ के नहीं लिया मैंने. आप लोग थोड़ी मंशा को समझो क्योंकि जो आपको पता है वो याद है इसलिए आपको लग रहा होगा. फिर बाद में परेशान भी हो गए आप लोग जो सेंटेंस क्योंकि कई जगह नहीं लेते हैं कई जगह लेते हैं फिर आपको लगेगा कि ये क्या सिखाया जो कि पता ही नहीं चल रहा इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा. तो यहां से आ जाएगा वी टी बाई एम इज इक्वल टू ई रेस टू दी सॉरी वी टी बाई एम नहीं वी टी बाई बी नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर के टी बाई एम. सो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू दी पावर के टी बाई एम. अब आप मुझे बताएं एज यू इंक्रीज टाइम व्हाट अबाउट वी टी. जैसे जैसे आप वेलोसिटी टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे बढ़ेगी घटेगी घटनी चाहिए सर. यहाँ से तो बढ़ेगी देख क्या रहा है बढ़ेगी सर. अच्छा इज ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव सर. नेगेटिव कैसे पता रिटार्डिंग है ना सर. हम कह नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है क्योंकि अभी तो के है. तो आप ये कैसे कह रहे हो कि एस टी इंक्रीजेस वी इंक्रीजेस ये कैसे कह रहे हो. मेरी बात समझो ये बात आप थोड़ी समझने की कोशिश करो कि आप विदाउट नोइंग द बिहेवियर ऑफ के यू कांट डिसाइड वेदर वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. तो आइदर यू कैन से दैट k इज नेगेटिव आइदर यू कैन से दैट k इज नेगेटिव और यू कैन से दैट दिस इज ड्रैग फोर्स. सो यू साइन हियर क्योंकि वेलोसिटी मोशन की तरफ हो रही है आगे की तरफ को और फोर्स की तरफ लग रहा है पीछे की तरफ को. तो इससे पहले ही डिसाइड कर लो कि ये क्या है चीज है ये क्या है एक्सीलरेशन ना होके क्या है रिटार्डेशन है. तो मेरा कंसर्न ये है कि ये माइनस साइन आप थोड़ा सोच समझ के लगाना. यहां तो ठीक है चल गया कि भाई अब क्या है पॉजिटिव है या नहीं आपके आपने डिसाइड कर लिया है के इज अ पॉजिटिव नंबर. जब कभी भी लिखा होता है कोई नंबर ना जैसे मान लो के लिखा हुआ है तो सबसे पहला आपकी फर्स्ट प्राइम और सिक्स फेज ही क्या रहेगी. आप इसको क्या बोलोगे नेगेटिव या पॉजिटिव. पॉजिटिव बोलते हो इसलिए क्या है हम अपने बिहेवियर को बदल नहीं सकते. जो हमारा उसकी पहली अपीयरेंस है वो उसको देख के जो लग रहा है उसको बदल नहीं सकते. इसलिए हम शुरू से ही क्या करेंगे जो भी कॉन्स्टेंट यूज करेंगे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट यूज करेंगे. अगर कॉन्स्टेंट पॉजिटिव यूज करेंगे तो फिर माइनस साइन लगाना जरूरी है क्योंकि ड्रैग लग रहा है पीछे की तरफ को मोशन हो रही है आगे की तरफ को. अब माइनस साइन यहां भी आएगा फिर माइनस साइन यहां भी आएगा और फिर माइनस साइन यहां और यहां भी आएगा और यहां भी आएगा. अब आप डैम श्योर हो के इज अ पॉजिटिव नंबर एंड यू कैन से दैट वी टी डिक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस. तो इसका अगर मैं ग्राफ खींचू तो कैसा आएगा भाई t वर्सेस vt एक्सपोनेंशियल डिके करेगा. और इस तरीके का आप लोगों ने प्लॉट जो है वो फैराडेज लॉ में भी देखा होगा. जब आप किसी रेल पर किसी रॉड को रगड़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं
तो वहां भी बीबीएल लगता है ना वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं आ रहा छोड़ो। कैसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियली डिके का। कहां से गिरनी स्टार्ट, कहां से गिरनी स्टार्ट हुई है, वी नॉट से। कब जीरो हो जाएगी, एट व्हाट टाइम वी गेट्स जीरो, इनफिनिटी। इनफिनिटी कभी खत्म नहीं होगी, वेलोसिटी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अच्छा कब रुक जाएगा जाके, कब रुकेगा, जब वी जीरो हो जाएगा। कभी नहीं रुकेगा, वी कभी जीरो नहीं होगा। यस सर, कभी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस की कितनी ट्रेवल की, v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, pt की वैल्यू लगा दो, इंटीग्रेट कर दूं तो xp का xp आ जाएगा और इसका इंटीग्रल क्या आएगा, v नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस का kt by m dt। कहां से, जब टाइम जीरो था और जब टाइम कितना t, तो कितना आ जाएगा ये v नॉट k by m, जीरो लगाऊंगा तो वन m by k आएगा। यानी कि xp इज इक्वल टू कितना आ गया, k m by नॉट है, अच्छा मतलब गलत लिखा हुआ है, m by k आएगा ना। हाँ सर, हाँ डिवीजन होता है ना, सही से वन माइनस e रेज टू दी पावर माइनस के kt by m। तो बताओगे at t is equal to infinite ये कितनी दूरी चल लेगा, m v not by k, m v not by k, यानी कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर पाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व, यही तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर होगा, फाइनाइट वैल्यू मतलब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू मतलब ये टेंड करेगा, इसको बोलते कन्वर्स करेगा किसकी तरफ, m v not by K की तरफ। तो यहां मैं लिख देता हूं as v tend, sorry as p tending towards zero, xp tending towards infinity, m v not y क्या k, ठीक है ना। ये देखो आप जरा एक बार फिर से, कोई डाउट हो पूछ लो। सर नेगेटिव साइन वाला दोबारा बता दो। नेगेटिव साइन इसलिए बताया, देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो कांस्टेंट है ना, कुछ भी हो सकते हैं। देखो मैंने ये उलझाया क्यों आपको, इसकी वजह मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। आप लोग सोच रहे होगा अच्छा खासा दिमाग में कंसेप्ट बना हुआ तो सर ने बेकार उलझा दिया है ना, लेकिन जो कंसेप्ट बना हुआ है वो गलती करवा सकता है, वो कई सवाल में आपको दिखाऊंगा कि गलती हो जाएगी। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर ये के ये नेगेटिव नहीं भी लोगे तो भी आंसर सही है, तब आपको ये कहना पड़ेगा हेयर के इज ए नेगेटिव नंबर। क्या मेरी बात से सहमत नहीं है? और अगर नेगेटिव ले लोगे तो दुनिया को ये बता पाओगे कि हाँ अब दिखने में भी वही दिख रहा है, बस इतनी सी बात। नहीं लेंगे तो आंसर सेम आएगा ना, सेम आएगा, दिखाएं ये आएगा। अब आप इसको सेम मानते हो कि नहीं मानते हो ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ के वो वाला के नहीं है जो वाला के पहले था,
यहाँ के नेगेटिव नंबर है, कैसा ग्राफ आएगा इसमें v और t का? सर डिकेइंग ही आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो डिके ही तो आएगा। यस सर। ये कहने का मतलब है बहुत जगह ऐसा होता है, हमें लगता है हमारा गलत हो गया, लेकिन एक कंडीशन चेंज कर देते हैं, चेंज हो जाती चीज। अच्छा एक बात बताओ, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखो या माइनस एक्स लिखो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, ये डेफिनेशन पढ़ी है? यस सर। अभी बता रहा हूँ बेटा क्या नेगेटिव क्या हो गया। ये बता सकते हो ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जो मैंने पॉजिटिव नंबर है सर। और नीचे वाला पॉजिटिव? नेगेटिव सर। पॉजिटिव। नीचे वाला भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है सर, क्योंकि सर वो जीरो से लेफ्ट की जगह है ना, तो इस वजह से। तो दिखने को माइनस एक्स भी क्या है, देखने में तो लग रहा होगा नेगेटिव नंबर है, लेकिन है ये पॉजिटिव, क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है। यस सर। कहना चाह रहा था मैं। हाँ तुम कह रहे हो के कैसे नेगेटिव माना भाई, के ऑब्वियस है नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू कैन टेक नेगेटिव और यू कैन टेक नेगेटिव कॉन्स्टेंट। तो हमने दोनों चॉइस करके दिखाएंगे आपको। सर ये वो सेम हो गया ना जैसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी में लेते हैं जो डीके कांस्टेंट होता है लैम्डा, वो माइनस लेते हैं वहां पे, सब सेम ही है ना कांसेप्ट? बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया, बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया, बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया। यहाँ पे कितनी देर में डीके हो जाएगी वेलोसिटी 1/e, कितने टाइम में वेलोसिटी 1/e डीके हो जाएगी? m by k। क्यों m by k टाइम? इसको एक करैक्टरिस्टिक टाइम कांस्टेंट मान सकते हो, उसको करैक्टरिस्टिक टाइम मान सकते हो इस केस में। सब बातें हैं वही, मेरा कहने का मतलब ये सब कहने के तरीके हैं, अच्छा लगता है बोलने में ऐसे। ये माना जाता है कि 1/e गिर गया मतलब पूरा गिर गया, जैसे ऐसे गिर रहा है, इसका मतलब कौन सी पॉइंट पे आप कहोगे गिर गया, किस पॉइंट पे कहोगे आप बिल्कुल खत्म हो गया सिग्नल लगभग, वो है 1/e वाली जगह। नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, कोई चीज अगर गिर रही है, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा FWHM, सुना है? Yes, sir. क्या होता है? फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम, मतलब अगर पीक ऐसी है तो इसकी पीक के आधे पर जो आएगी ये है इसकी FWHM, ये वाली दूरी है ना, क्योंकि ये माना जाता है सिग्नल लगभग इसी में मतलब मजबूत है, बाकी सब जगह क्या है लगभग गिरा हुआ ही सिग्नल है। खैर बाकी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा ज्यादा, पहले आप सिंपल ये समझो कि ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगता है, क्योंकि नाम ही इसका रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, इसके आगे की कहानी कल सुनाऊंगा, और कल की आकर्षण में बताऊं तो आपको कि कल मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स में मोशन, कुलीजन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम, ऑब्लिक कुलीजन, डायरेक्ट कुलीजन, ये सब बताऊंगा। ठीक है, और हो सका तो पहले न्यूटन्स लॉ में 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आप लोगों को फ्रिक्शन वगैरह का कंसेप्ट क्लियर करें। तो ये सब चीजें होंगी कल, आप लोग जरूर आना, बहुत अच्छी रहेगी क्लास। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड दिखाना, नेटवर्क की वजह से छूट गई थी। ओके बेटा अभी दिखा रहा हूं। सारी ठीक है, बाकी जो बच्चे क्लास को छोड़ना चाहते हैं वो इस वक्त तक छोड़ सकते हैं, इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा दूंगा, शुरू से मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, आप लोग अपनी नोट करते रहो, आप बाकी पूछते हैं जिस बच्चे को पूछना।
सर वो कल के जो क्वेश्चन दिए थे ना आपने, उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं? अच्छा बेटा बताता हूँ सर, वो नोट्स अपलोड नहीं होंगे क्या इसके सर? क्लासिकल के हो ही नहीं रहे ऐप पे सर, अभी तक अपलोड नहीं हुए सर। नहीं बेटा मैंने भेज दिया, उनसे बात भी हो गई है, आज कर दी हूँ, क्योंकि अभी क्या था कुछ काम में बिजी थे बहुत सारे, लेकिन आज हो जाएंगे पक्का। ठीक है आज और वेट कर लो, उसके बाद आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज के रोज हो जाएंगे। ओके मेरी बात हुई है कल और अभी भी, इनफैक्ट आपसे क्लास होने से पहले भी बात हुई। आवाज बंद करो, किसी बच्चे को तब तक कुछ पूछना तो पूछ ले। सर इसमें ये जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं डी वन डी का, वो कैसे निकाले एक बार फिर से समझाएं। बेटा कभी किसी को अगर घटाना हो ना, तो घटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, उससे नेगेटिव करके जोड़ दो, यही तो होता है घटाना। हाँ एफ टू को नेगेटिव कर को जोड़ दो एफ वन, एफ टू को नेगेटिव करने का मतलब वो नीचे ड्रॉ कर लो वेक्टर, और जोड़ने का मतलब क्या हुआ फिर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, तो नीचे वाला जो वेक्टर आएगा वो पैरेलल नहीं होगा डी के। नहीं समझ में आया? ये देखो उल्टा कर दिया इसको, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा आया, ये वाला। हाँ ये वाला जो वेक्टर है वो इसके पैरेलल है, तो यही तो हुआ एक तरीके से इसका डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालोगे, एफ वन का मैग्नीट्यूड एफ टू का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल वाला कोसाइन, तो वो कॉस्ट cos pi minus theta minus का cos theta होता है, इसलिए minus आ गया। ओके सर। हाँ भैया बताएं, किसी कुछ पूछना हो पूछे, वरना मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। सर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला एक आपने अभी प्लॉट किया था, उसमें आपने एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया था, टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया था, टेबल मतलब कोई सिग्निफिकेंट है। फोर के बाद जो है एक लिमिटिंग, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसके बाद ये जो मतलब थोड़ा सा उसकी वैल्यू जो ये लेस होती है, तो ये कंपनसेट कहां होता है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कंपनसेट कहां हो रही है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ रही थी इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, वो अब नहीं लगानी पड़ रही, वो इसलिए थोड़ी सी कम फोर्स में काम चल जा रहा है बॉडी को चलाने के लिए। इसको आप लोग थोड़ा पढ़ो उससे, एससी वर्मा में पूरा चैप्टर है फ्रिक्शन, ठीक है, तो आप लोग उससे पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको अभी समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना
मैंने काम काम की चीजें बताई है बिल्कुल, और उसमें पूरी चीज पढ़ोगे तो और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नहीं सर, एक बहुत से लेस वैल्यू ही उन कम हो रही है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा वैल्यू, तो इतना मतलब थोड़ी सी वैल्यू पे क्यों मतलब इस तरीके से? क्योंकि बेटा आप जब सरफेसेस देखते हो तो आपको रफनेस दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है, वो अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो रफनेस दिखेगी, तो इंटरलॉकिंग की कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, ऐसा थोड़ी होता गड्ढे में गड्ढा घुसा हुआ है, उनके क्रस्ट में ट्रप्स घुसे हुए ऐसा दिखता थोड़ी है, बहुत हल्का सा मतलब उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है, वो टूट गई होती है, वो हट गई होती है, इसलिए हल्का ही फर्क पड़ता है। ओके सर, जो नेक्स्ट स्लाइड पे प्योर ट्रांसलेशन है वो था जी, प्योर ट्रांसलेशन वाला बताना करिए। ये प्योर ट्रांसलेशन में मतलब सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ को भाग रहे, चाहे वो व्हीली क्यों ना हो, आप पूरा कप को हो, आपके सामने अगर कोई कप रखा हो या कोई ग्लास रखा हो या फिर आप कोई ऐसी चीज रखी हो जिसको घूमने मत देना आगे बढ़ाना, तो सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में तो भागेंगे। okay. यही तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जो न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो बताया कि ये एसेंशियली पोस्टुलेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्वड, सेकंड पॉइंट सर। सर ये कोलिजन में बताइएगा सर, मतलब इसको कैसे कोलिजन, बेटा कल पढ़ाऊंगा तो पूरा बता दूंगा ना। कोलिजन जब होता है कोलाइड करती है बॉडी तो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है इसीलिए। ओके सर, थैंक यू सर। कल की प्रॉब्लम्स की आई सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं बेटा, कौन सा वाला का पूछना है आपको? एक तो सर वो जो मतलब एक तो रेंज और एक एरिया निकलवाया था ना, तो उसके लिए थीटा सर मतलब क्या आ रहा है? बेटा ऐसा है ना, आज ऐप पे, आज ऐप पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ओके सर, उस पे देख लेना, मैं सॉल्यूशन भी अपलोड करवा दूंगा। सर एक बार ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास का कांसेप्ट बता दीजिए। बेटा एक काम करो ना, आप गूगल पे सर्च करो, दो मिनट में आपको पता चलेगा कि जो मैंने बोला है इट्स एनफ। ठीक है, मैंने कहा कैसे मास को मेजर करते हैं, वो तरीका होता है आइदर टू वेज, आइदर यू कैन डिवाइड वेट बाई जी, अगर डब्ल्यू बाई जी करा तो वो ग्रेविटेशनल मास है, और अगर आपने फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड किया तो वो इनर्शियल मास है। तो मास को करेक्टराइज ऐसे करा जा रहा है जैसे दो तरीके से निकाला हुआ मास, एक ग्रेविटी से निकाला हुआ मास और एक इनर्शिया से निकाला हुआ मास, उन दोनों को बोल दिया गया ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। इतना काफी है आपके लिए, आप उसे सर्च भी करोगे तो भी इतना ही मिलेगा आपको लिखा हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सर, हो गया। एक्चुअल में क्या है ना, मास को आप मेजर नहीं कर सकते डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हो, तो मेजर करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो आप अगर वेट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल मास, और अगर आप उसको फोर्स वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपका उसको कह देंगे हम इनर्शियल मास, बस इतना फर्क है और कुछ खास बात नहीं। सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तुम ग्रेविटेशन का यूज करेंगे ना मोस्टली? बेटा दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है फिर आज के लिए। हाँ सर, एक चीज सर, ये न्यूटनियन मैकेनिक्स फॉलो करने के लिए एचसी वर्मा ये फॉलो करें या डीसी पांडे फॉलो करें? डीसी पांडे इज नॉट अ गुड बुक, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कहूंगा, ऐसे कहूंगा तो आपको लगेगा सर मतलब एकदम गिरा दिए। एक्चुअल में क्या है ना, आपका मोटिव कुछ और है और डीसी पांडे का मोटिव कुछ और है, मतलब उस बुक का मोटिव कुछ और है। अच्छा सर, ओके सर। एससी वर्मा इज अ गुड बुक, डीसी पांडे में बहुत प्रॉब्लम है मतलब, इसलिए मैं एक्चुअल में क्या है ना देखो, अननेसेसरली प्रॉब्लम करने से कुछ नहीं होगा, अपने पास टाइम कम है, केवल मैकेनिक्स ही पढ़ना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका नेट निकालना उद्देश्य है। 10 तरीके की किताबें हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईएमटी है, सब पढ़ना है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया। कम से कम आप एससी वर्मा पढ़ लें जितना वक्त मिले उतने में, और इसके अतिरिक्त इधर उधर ना जाए, जो पढ़ा रहे हैं बस उस पर फोकस करो, इतना ही हो जाए यही बहुत, और ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके बेटा।
कल मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सर.